गोयल साहब, क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ब्रिटेन इस समय भारी राजनीतिक उथल पुथल का शिकार हो गया है और ये स्थिरता लंबे समय तक नहीं दिखने वाली है? आप किसी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि जब कैबिनेट में अलग अलग मंत्री, अलग अलग सेक्रेटरीज अलग अलग चीज बोलते हैं, और खास तौर पर चोला ब्रेमेन का जो स्टेटमेंट है इंडिया के खिलाफ, वो तो ऐसा है कि बचकाने वाली बात है, ना समझी की बात भी है, गलत तो है ही बिल्कुल ये। और उसके बावजूद अभी तक लिज ट्रस ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिससे कि नजर आता हो कि वो सुएला ब्रेवमैन की जो स्टेटमेंट है उसके खिलाफ है या उसको वो पसंद नहीं करती है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और अगर आप ये सोचिए कि अगर भारत भी एक शक्ति का रुख क्या करता है कि हमें एफटीए में डिले होने दीजिए, आफ्टरऑल ये देखिए कि एफटीए की जरूरत खाली भारत को नहीं है, यूके को भी है। और जैसा कि अभी कहा कि जो भारतीय वहां पर एक इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ग्रुप है, इलीगल इमिग्रेंट तो ना के बराबर होंगे अगर जी। पहले के होंगे भी तो इस मामले में अगर लिज ट्रस अपनी कैबिनेट को नहीं संभाल पाती है, उनको एक तरफ नहीं कर पाती है कि इकट्ठा मिलकर काम करें, तो उथल पुथल बहुत ज्यादा है और काफी